हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग मेवीज वाइफ। सो गाइस, आज जैसे कि रक्षाबंधन है 11th और 12th अगस्त को, हम लोग 12th अगस्त को रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी बड़ी बहन ने मीशो से कुछ राखियाँ ऑर्डर की है, जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही चीप रेट में मिल गए हैं। सो, यहाँ पे हम मिठाई आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि रक्षाबंधन है तो बिना मिठाई के तो रक्षाबंधन हो ही नहीं सकता। और हमारे घर में मतलब खाने के बाद एक मीठा तो चाहिए ही, और ये हल्दीराम का मिठाई बहुत ही टेस्टी होता है। और यहाँ पे मिठाई का नाम आया और सीरो नजर ना आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सीरो भी हमारी स्वीट लवर है। यहाँ पर मेरी बड़ी बहन ने थाली सजा कर रखा है ताकि हम लोग राखी बांधे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। शाम के 5:30 बज रहे थे और मेरे भाई सो चुके थे, क्योंकि हम लोग दोपहर में भी बहुत देर से बोल रहे थे कि दीदी बांधना है तो बांध दो। आपको मैं बता दूं कि मेरा दोनों भाई हम लोग से तीनों बहन से छोटा है। सो, ये मैं अपने बड़े भाई को राखी बांध रही हूँ, जो कि मेरे से छोटा है, मेरी छोटी बहन से भी छोटा है। सो, यहाँ पे इसको मैं राखी टाई कर रही हूँ। और मेरा ये बड़ा भाई जो है वो स्वीट लवर है, इसको भी बहुत एकदम मीठा बहुत पसंद है। इसको तो मत ही पूछो कितना मिठाई पसंद है। और यहाँ पे आपको जहाँ पे मिठाई का नाम होगा शीरो, वहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगी। यहाँ पे आपको शीरो भी देखने को मिलेगी, जो कि उसको स्मेल आ जाता है और वो अट्रैक्ट होके जैसे लगता मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ना, वैसे होता है उससे कि वो एकदम खींची हुई चली जाती है। यहाँ पे मैं अपने भाई को राखी पहना चुकी हूँ, टाई कर दी हूँ उसके हैंड में। और ये मैं यहाँ पे आरती दिखा रही हूँ, अपने भाई के बुरी नज़र से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि मेरे भाई को बुरी नज़र से भगवान बचाए। और यहाँ पे इसको मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए मैं खिला रही हूँ। जैसे देख सकते हो, बहुत ही हैप्पी मतलब खा रहा है। यहाँ पे मेरा भाई सुंदरी का साड़ी गिफ्ट करता है, जिसको देखकर मैं तो बहुत ही खुश होती है। मेरे स्माइल से आप पता लगा सकते हो कि कितना खुश थी मैं। और यहाँ पे अब मेरी छोटी बहन आती है। सो, यहाँ पे राखी बांधने के लिए, और ये भी राखी बांधने के लिए जो भी मतलब करते हैं, मतलब पहले जो भी तिलक चंदन लगाते हैं वो की। और यहाँ पर मेरी बहन बता रही है कि लिपस्टिक तुमने अच्छे से नहीं लगाया, साफ़ करो, तो वही ये साफ़ करने लगी है। और हाँ गाइस, थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम होगा तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये नाइट का टाइम है और ऊपर से फैन भी चल रहा है। सो, ये सब मैं ठीक कर दूंगी, लेकिन अभी तो थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम है ही ये सब। और मेरे शीरो को देख सकते हो कि वो हमेशा, उसको लोगों के बीच में बैठना पसंद है, कभी दौड़ कर इधर आ रही है, कभी उधर जा रही है। सो, यहाँ पे मेरी छोटी बहन ने भी ये राखी पहना दिया और यहाँ पे शीरो को दे रही है, क्योंकि शीरो बिना स्वीट खाए रह नहीं सकती है, उसके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी अब हम लोग जैसे खाते हैं तो वो देखते रहती है तो अच्छा नहीं लगता, सो, देना पड़ता थोड़ा सा। और ये मेरी बड़ी बहन फिर उसके बाद भाई को राखी टाई कर रही है, और मेरे भाई ने पीछे उसके लिए भी एक गिफ्ट लेकर रखा है। सो, यहाँ पे आरती वारती हो रहा है, जो भी होता है। और फिर हम लोग अंदर आ जाते हैं छोटे भाई के पास, और सीरो हम लोग से पहले आकर बैठी रहती है। सो, मेरा यहाँ पे तबीयत थोड़ा ठीक लग रहा है, सो मैं भी बैठ गई हूँ। एक्चुअली हम लोग को राखी सेलिब्रेट करने का मन ही नहीं था, मूड ऑफ था सबका, और मेरा तबीयत भी नहीं ठीक चल रहा था। तो यहाँ पे मेरी बहन को गिफ्ट मिलता है तनिष का रिंग भाई से। सो, यहाँ पे मैं भाई को तिलक लगा रही हूँ। और देखो, ऐसा है कि रक्षाबंधन गिफ्ट के लिए नहीं होता। सो, ये मैं सोचना कि मेरे तो भाई एक्चुअली में हम लोग से एज वाइज छोटा है, तो हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचते कि भाई से कुछ लेना है, लेकिन मम्मी पापा खुद से देते हैं देने को,
तो वो लोग देते हैं, लेकिन अब शादियां हो चुकी हैं हम लोगों को, तो अच्छा नहीं लगता कि भाई से कुछ ले, क्योंकि भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ हमारे पास है। सो, कभी भी मन में इतना मतलब लालच नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे फिर छोटी बहन मेरे भाई को राखी टाई कर रही है और आरती दिखा रही है। यहाँ पे थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंदी जा रहा था वीडियो। यहाँ पे देख सकते हैं फिर अगेन सिरो फिर मिठाई के लिए वो कर रही थी। यहाँ पे फिर एक बार उसको देती है मिठाई खाने को। और यहाँ पे मेरा भाई मेरा मजाक बना रहा है कि क्या शूट कर रही है, जो यूट्यूबर बनेगी क्या? वो हमेशा टांग खिंचाई करते रहता है। तो ये यहाँ पे मेरी दोनों बहन बोल रही थी फ़ोटो शूट करने के लिए, तो मैंने पहले बड़ी बहन का किया, फिर उसके बाद मैंने छोटी बहन का किया। और ये मेरी मम्मी बैठी हुई जिसको इग्नोर की जगह बेचारी ऐसी ही रहती है ऑल टाइम। ये मेरा भाई मैंने कुछ बोला तो वो देख कर चला गया बस। और यहाँ पे मैं फ़ोटो शूट कर दी हूँ। लास्ट में मेरे भाई को याद आता है उसने पैसे तो दिए ही नहीं थे। फिर बेचारा बहुत मतलब मेरा भाई बहुत ही अच्छा है, याद करके आया देने को सबको कि पैसे सबके हाथ में दिए पैसे। और यहाँ पे मैं अपना ज्ञान देना चालू कर दी हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। आप लोग ध्यान से सुनो। मन तो नहीं था और मूड भी सबका ऑफ था, तबीयत भी ख़राब था। मैं यही बोलना चाहूँगी कि किसी के लिए अपना फेस्टिवल स्पॉइल मत करो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आप भी इंजॉय करो और दूसरे को भी करने दो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी मेरी। मुझे पता है कि मेरे को एडिट करने अभी नहीं आता अच्छा से, लेकिन धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। इसके लिए आपको बस इतना करना होगा कि मेरी वीडियो को लाइक करना होगा, उस पर कमेंट करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर मतलब वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि अच्छा वीडियो लग रहा है या नहीं लग रहा। नहीं लग रहा तब भी बताओ कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मिलती हूँ एक अच्छे और नए ब्लॉग के साथ कल। टिल देन बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और टेंशन फ्री रहें। बाय।